वजन की कमी है, सुबह शाम सपट वजन मिल रहा है, घरों में जाकर देखो तो अभी भी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। ये जो पत्रकार कॉलोनी कोटड़ा के पास में झुग्गी झोपड़ियों में एमपी के मजदूर रहते हैं, इनको प्रतिदिन एनजीओ द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा तथा अन्य सरकार के द्वारा सूखी सामग्री का राशन एवं खाने के पैकेट, तैयार पैकेट वहाँ पहुँचाए जाते थे। ये रोज़ शिकायतें आती थी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में, सबसे आगे आके बैठने के चक्कर में ये सड़क के किनारे आके बैठ जाते थे, और जब भी कोई व्यक्ति या संस्था कोई जो लेके आती थी सामान तो उसमें छीना झपटी करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इनको कई बार जा के समझाया, इसकी पुलिस के साथ भी सामान बंटवाया गया, परंतु ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे। आज भी इसी क्रम में इनकी सड़क के ऊपर झुंड के रूप में ये इकट्ठे थे। तब ये सूचना मिलने पे थाने की सिग्मा में कांस्टेबल किशन लाल 17-17 वहाँ गया था, उसने उनको समझाइश की, तो ये सब व्यक्ति इकट्ठे होकर उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने राइडर पे और कांस्टेबल पे हमला किया। ऐसी सूचना मिलने पे तुरंत थाने का जाप्ता एवं अन्य जाप्ता चेतक वगैरह वहाँ पहुँची, और पहुंचने के बाद में उनको समझाइश पर भी वो हमले पे उतारू रहे, तो उनको सिविल बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया गया। और उस समय जो भीड़ का नेतृत्व करके उनको उकसा रहे थे लॉकडाउन तोड़ने के लिए, और बिना मास्क के पूरी भीड़ इकट्ठी करके जो जिन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया था, ऐसे करीब आधा दर्जन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। और कांस्टेबल किशन लाल की रिपोर्ट पे राजकार्य एवं बाधा का, सरकारी कर्मचारी पे हमले का एवं लॉकडाउन के उल्लंघन का एवं संक्रमण फैलाने के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है।